हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको 8.4 प्रश्नावली करवाएंगे। 8.3 प्रश्नावली हमने छुड़वा दी है, ये आपने नहीं करनी है, ये बात सभी बच्चे ध्यान दीजिए। अभी आपको जो एक्सरसाइज करवाएंगे, इससे पहले कुछ बातें हमें जरूरी है, महत्वपूर्ण बातें। ये शायद आप सभी जानते भी हैं कि एक रुपए जो है वो 100 पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे और 1 रुपए। और 1 किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर होता है। इन्हीं का ही प्रयोग इसके अंदर किया गया है कि दशमलव के अंदर इनको प्रयोग करना है। पैसे दिया हुआ है उसको रुपए में कन्वर्ट करना है, बदलना है, और यदि रुपए दिए हुए हैं तो उसको पैसे में बदलना है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करना है। अगर रुपए दे रखे हैं और पैसे बनाने हैं तो आपने मल्टीप्लाई करनी है। ये जो दिया हुआ है और ये आपने बनाना है तो आपने इनसे मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। और अगर पैसे दे रखे हैं और उसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है, जैसे रुपए में ग्राम दे रखे है, किलोग्राम में सेंटीमीटर दे रखे है, मीटर में मीटर दे रखे है, किलोमीटर में बदलना है, तो ये इसमें हमें भाग करना है। जैसे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो हमें आपको थोड़ा क्लियर समझा जाएगा कि जैसे इसमें दिया हुआ है ए पार्ट है इसका 5 पैसे, 5 पैसे हैं। इसमें आप सभी जानते हैं कि 1 रुपए जो है वो 100 पैसे के बराबर होता है, तो इसका मतलब है इसको हम डिवाइड कर देंगे और ये 0.05 रुपए जो है हमारा हो जाए। ठीक है, अगर आपका इसी प्रकार इसके अंदर सी पार्ट जो दिया हुआ है उसके अंदर 3 रुपए दिया हुआ है और 50 पैसे दिए हुए हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है 60 पैसे दिए हुए हैं, 60 पैसे दिए हुए हैं, तो रुपए तो ऑलरेडी है तो इसको हमें नहीं चेंज करना, केवल पैसे को बदलना है। तो 3 और यहाँ 60 है, इसको हम ये कन्वर्ट कर देंगे, इसमें बटे ये 100 कर देंगे, और जब ये हमारे पास होगा तो हमारे पास क्या होगा 3 और यहाँ पर 10 लाओ, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 और 0 रुपीज, ये आपका होगा। तो यहाँ पर 6 3 रुपए और ये 60 पैसे हैं, इसको रुपए में लिखने के लिए इस प्रकार से इसको। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर लास्ट इसका पार्ट है जी, इसके अंदर दिया हुआ है 725 पैसे, ये दिया हुआ है। इसमें आपने रुपए बनाने के लिए 100 से भाग देना है और ये हमारे पास 7.25 ये रुपए आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपके इसका पार्ट जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया। जो इसमें बचे हुए पार्ट हैं वो आप होमवर्क के लिए करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड तो दिया हुआ है उसके अंदर दशमलव का प्रयोग करके मीटर में बदलना है, ये पार्ट है ये दिया हुआ है इसमें, तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ए पार्ट इसमें 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15/100 आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए 0.15 मीटर, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट जो है 136 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी प्रकार इसका भी सेम वही मेथड है, डिवाइड करना है। अगर ये सेम ये पार्ट दिया हुआ है तो उसको आपने इसमें कन्वर्ट के लिए भाग करना है। ठीक है, और ये हम इसको दशमलव में करेंगे तो 1.36 मीटर हो गया। ओके, और इसी प्रकार इसका एफ पार्ट जो है
वो इसके अंदर दिया हुआ है 419 सेंटीमीटर। तो यहां पर यह आ जाएगा 419 को बटे में 100 कर देंगे और ये हो गया 4.19 मीटर। इसके बाद एक पार्ट और इसमें देखिए, डी पार्ट और देखिए, डी ये दिया हुआ है 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर। इसके अंदर 2 मीटर तो ऑलरेडी है, इसको तो अभी कुछ नहीं है, तो जैसे इससे पहले 45 मीटर है उसको आप बटे में सो करेंगे और इसको जब दशमलव में करेंगे तो 10.45 तो 2 और ये 0.45 और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 2.45 मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है और आप ये देखिए थर्ड, क्वेश्चन थर्ड जो है वो भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है हाँ इसमें एक ये और नोट करना है कि एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिली और मीटर मिलीमीटर, ठीक है, ये इसके अंदर दिया हुआ है, ये और चेक करिए। यहाँ पर क्वेश्चन इसमें ए पार्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर 5/10 कर देंगे और ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सी पार्ट 164 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है तो 164/10 कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हमें इसका ई पार्ट आपने देखना है तो यहां पर लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर, तो जो सेंटीमीटर है उसको चेंज नहीं करना, हमें 16 बटे में 7 है इसके बटे में 10। अब ये क्या करेंगे, 16 जमा 0.7 तो यहाँ पर कितना होगा 16.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, इस प्रकार से आपने इसको करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास दिया हुआ है किलोमीटर, तो यहां पर लिखेंगे एक किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के बराबर है, ये दिया हुआ है और इसमें एक पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 मीटर दिया हुआ है, 8/1000, ठीक है, ये कर दिया और ये हमारा हो गया किलोमीटर। और फिर ये इसको दशमलव करेंगे 0.008, 1, 2, 3 यहाँ पर केवल 1 पॉइंट है, 2 जीरो लगा के फिर दशमलव लगा देंगे और ये आपका हो गया किलोमीटर। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। इसी प्रकार सी पार्ट में यदि आपने इसको करना है तो आप देखिए 8888 मीटर, तो यहाँ पर इसको जब आप करेंगे बटे में 1000 तो यहाँ पर 1, 2, 3 तो यहाँ 8.8888 और ये आपका हो गया किलोमीटर। इस प्रकार से आपने, अगर इसी प्रकार आपने एफ पार्ट लेना है इसका तो आप देखिए 29 किलोमीटर दिया हुआ है और 37 मीटर दिया हुआ है,
किलोमीटर को चेंज नहीं करना आपने, तो इसको तो एज इट इज रखना है, मतलब जब हमें मीटर को चेंज करना है तो इसको किलोमीटर बनाएंगे, हजार से बात कर देंगे। अब ये क्या करना है, ये 29 और ये कितना है, ये 0.037 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो गया 29.037 किलोमीटर, ये आपका आंसर, ठीक। इस प्रकार आगे क्वेश्चन 5 इसके अंदर किलोग्राम वाला दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, इसका ये पार्ट दिया हुआ है, तो एक किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, एक किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, ये दिया हुआ है। अब इसमें 2 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो इसमें 0, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास कितना है, केवल 0.0 और ये किलोग्राम है, ठीक है। इस प्रकार से आगे यदि आप ये करेंगे तो वो भी इसी प्रकार है, जैसे 3750 ग्राम है, तो इसको 3750 बटेंगे 1000 कर देंगे, और ये 3.75 किलोग्राम आपका हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ है सी पार्ट। और इस प्रकार अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 6 जो क्वेश्चन है उनको आपने ये सभी मिक्सअप है, उनको कन्वर्ट करना है, जैसे 2 रुपए और 30 पैसे ये रुपए दिया हुआ है, इसको पैसे में बदलना है, हटाना है, दसवां बटानी है, तो दसवां बटाएंगे तो 2 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले इसकी दसवां बताओ, ठीक है, दसवां बता देंगे, ये हो गया, और उसके बाद गुणा में पैसे बनाएंगे तो 100 से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ जाएंगे 230 पैसे, ये आप। इसी प्रकार आगे अगर आपने करना है, इसका सी पार्ट है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर दसवां बटाएंगे पहले, गुणा में 10, ये 0 पर किया और ये हो गया 35 सेंटीमीटर, हो गया। ऐसे ही और जो इसको दिए हुए हैं, एफ एफ तो रुपए का है, उसके बाद जी देखिए, जी जो दिया हुआ है वो है 15.03 किलोमीटर, तो फिर वही सेम है, पहले इसकी दसवां बटाएंगे और किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास क्या है, 15.03, और ये हमारे पास मीटर है, ठीक है। ये आपका इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नाइस डे एंड बाय बाय।